नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल तरफ थी हूँ छाया आहिर आपनो हार्दिक स्वागत करू छूँ। धोरण बे गुजराती माध्यम, विषय गणित, प्रकरण चार, दस दस की गणतरी, पार्ट टू। तो बाड़को, आपणे पार्ट वन में दस दस की गणतरी केवी रीतना करवानी ए तमने मैं समझाव्युं हतुं बराबर अलग अलग चित्रों द्वारा। हवे आजे आपणे आज प्रकरण में आगळ वधीशुं के दशक अने एकम विशे भणीशुं। तो जोईए छे बराबर, तो दस दस की गणतरी, दसना जूथ बनावो तथा दशक अने एकम लखो। दसना जूथ बनावाना एटले के मैं तमने गया विडियो में बताव्युं हतुं के दसना जूथ आपणे केवी रीतना बनावी शकीए। दस दस वस्तुओ भेगी करीने एनो एक जूथ बनावानो होय छे बराबर। तो अहीं केटली संख्या आपी छे, तेर बराबर। तेर छे एटले दसनुं केटलुं जूथ बनशे, तो एक जूथ बनशे अने बाकीना त्रण बार रहेशे, एक एकमना स्थानमां गणाशे बराबर। जो संख्या छे, धारो के आ हूँ तेर लखू छू, सॉरी तेर छे बराबर। तो तेर में एक ए दशकना स्थान में आवशे अने त्रण ए एकमना स्थान में आवशे। दशकना स्थान में आवे ए एक दसनुं जूथ कहेवाशे बराबर। तो आ रीते अहीं आप्युं छे के तेर बराबर। तो तेर में आपणे जोईए तो तेर एटले के एक एक ए दशकना स्थान में आवशे अने त्रण ए एकमना स्थान में आवशे। तो अहीं दशकना स्थान में एटले के दस गणाशे बराबर। अहीं दस लीटीओ आवशे अने अहीं त्रण लीटीओ आवशे बराबर। त्यार पछी सत्तर, तो सत्तर में पण एक ए दशकना स्थान में गणाशे एटला माटे एनी आगळ जीरो लागशे, एटले के अहीं दस थई जशे अने सातना सात ज रहेशे ए एकमना स्थान में। तो दशकना स्थान में दस लीटीओ आवशे अने सात एकमना स्थान में सात लीटीओ आवशे बराबर। त्यार पछी अहीं एकवीस छे बराबर। तो एकवीस छे एटले अहीं दशकना स्थान में वीस थई जशे अने एकमना स्थान में एक रहेशे। वीस थई जशे एटला माटे अहीं वीस लीटीओ आवशे दशकना स्थान में अने एकमना स्थान में एक ज लीटी आवशे। त्यार पछी सत्तावीस, सत्तावीसमां पण दशकना स्थान में वीस थई जशे अने एकमना स्थान में सात रहेशे, एटले सत्तावीस थशे बराबर। ख्याल आव्यो बाळको? एटले के दस दसना अहीं बे जूथ बनशे अने सात वस्तुओ बहार रहेशे बराबर। आ रीते समझ पड़ी। जो हवे आपणे आगळ वधीशुं तो बत्रीस, बत्रीस छे तो दशकना स्थान में तीस थशे अने एकमना स्थान में बे थशे बराबर। तो दस दसना त्रण जूथ बनशे अने बे बार रहेशे। त्यार पछी चुम्मालीस, तो चुम्मालीसमां दशकना स्थान में चालीस आवशे अने एकमना स्थान में चार आवशे बराबर। तो दस दसना केटला जूथ बनशे? चार जूथ बनशे अने चार एकमना स्थान में बार रहेशे बराबर। तो अहीं पहेलामां दशकना स्थान में एटले के दसनुं केटलुं जूथ बनशे? एक जूथ बनशे बराबर, दसनुं एक जूथ बनशे। त्यार पछी बीजामां पण दसनुं एक जूथ बनशे अने सात बार रहेशे। त्यार पछी ત્રીજામાં दस दसના બે જૂથ બનશે અને એક બાર રહેશે। ત્યાર પછી ચોથામાં પણ દસ દસના બે જૂથ બનશે અને સાત બાર રહેશે। ત્યાર પછી પાંચમામાં દસ દસના ત્રણ જૂથ બનશે અને બે બાર રહેશે। ત્યાર પછી છઠ્ઠામાં દસ દસના ચાર જૂથ બનશે અને ચાર બાર રહેશે। તો ખ્યાલ આવ્યો બાળકો બરાબર? હવે આપણે આગળ વધીશું। હવે શું છે કે ખાલી સ્થાન પૂરું ઉદાહરણ આપેલ છે, આ મણકા ગોળીઓ છે બરાબર। તો જેટલા મણકા હોય એ ગણીને સંખ્યા લખવાની અને પછી નીચેનું બોક્સમાં બંને ભેગી સંખ્યા લખવાની બરાબર। તો આ રીતે મેં પણ લખ્યું જ છે, એ રીતે તમારે પણ લખવાનું જ રહેશે, પણ પહેલાં સમજી લો બરાબર। તો આ બાજુ દશક છે, આ બાજુ એકમ છે। તો આ બાજુ દશકના સ્થાનમાં કેટલા મણકા દેખાય છે? તો બે, અને આ બાજુ છ। તો બે ને છ ને ભેગા કરીએ તો કેટલા કેટલી સંખ્યા બનશે? છવ્વીસ બરાબર। ખ્યાલ આવ્યો? એવી રીતના બીજું
तो बीजू में दशकना स्थान में केटला मणका है बे अने एकमना स्थान में आठ है तो बने मड़ी ने केटला थशे अठ्यावीस बराबर तो अठ्यावीस लखवाना रहेशे। त्यार पछी दशकना स्थान में त्रण मणका है अने एकमना स्थान में एक मणको है तो बने भेगी थशे एटले केटला थशे एकत्रीस बराबर। त्यार पछी आगळ तो दशकना स्थान में त्रण मणका है अने एकमना स्थान में त्रण मणका है तो तेत्रीस बराबर। ख्याल आव्यो बाळको? आ रीते तमारे लखवानो छे, खूब ज सरळ छे, तमने समज पड़ी जशे बराबर। त्यार पछी आगळ तो दशकना स्थान में त्रण मणका है एकमना स्थान में पांच है तो बंने भेगी मळशे तो पैंतीस संख्या थशे। त्यार पछी आगळ तो चार दशकना स्थान में है अने बे एकमना स्थान में है तो बेतालीस। त्यार पछी चार दशकना स्थान में है अने सात एकमना स्थान में है तो सुड़तालीस। त्यार पछी पांच दशकना स्थान में है अने चार एकमना स्थान में है तो चौप्पन बराबर। त्यार पछी आपणे आगळ एज रीते जोवानुं छे तो पांच ए दशकना स्थान में छे अने एकमना स्थान में एक पण मणको नथी तो शुं आवशे? शून्य आवशे। ने पांच ने शून्य भेगा कर तो केटली संख्या बने? पचास बराबर। ख्याल आव्यो? त्यार पछी आगळ दशकना स्थान में छ छे एकमना स्थान में पण छ छे एटला माटे केटली संख्या बनशे? छसठ। त्यार पछी दशकना स्थान में छ छे एकमना स्थान में बे छे तो बासठ। त्यार पछी दशकना स्थान में सात छे एकमना स्थान में त्रण छे तो तोतेर। त्यार पछी आगळ तो दशकना स्थान में सात छे एकमना स्थान में चार छे तो चुम्मोतेर। त्यार पछी दशकना स्थान में आठ छे एकमना स्थान में पण आठ छे तो बंने भेगा मळशे तो केटली संख्या थशे? अठ्यासी। त्यार पछी दशकना स्थान में आठ छे अने एकमना स्थान में एक पण मणको नथी तो एनी गणतरी केवी रीतना थाय? आठ अने शून्य तो आठ अने शून्य भेगा थाय तो केटली संख्या बनशे? एंसी बराबर। त्यार पछी दशकना स्थान में नौ छे एकमना स्थान में पांच छे तो बंने भेगी मळशे तो केटली थशे? पंचाणु बराबर। तो आज रीते बाळको तमारे पण व्यवस्थित लखवानुं छे, गणीने तमारी रीते आ रीते मैं लख्युं छे ए रीते तमारे पण सारा अक्षरे लखवानुं छे बराबर। हवे आपणे आगळ जईशुं ते पहेला हुं तमने कहूं छुं के गया विडियोमां એટલે જે આનાથી આગળ ગયો હતો એમાં મેં તમને કહ્યું હતું કે હું તમારી ટેસ્ટ લેવાની છું તો હું તમારી ટેસ્ટ નું પેપર મૂકું છું એ તમારે જાતે લખવાનું રહેશે। આ તમારું ટેસ્ટ પેપર છે બરાબર। તો એ ટેસ્ટ પેપર બાજુમાં માર્ક પણ લખ્યા જ છે તો એ તમારે મમ્મી પપ્પા પાસે બેસીને તમારે જાતે લખવાનું રહેશે, જોઈને જવાબ લખવાના નથી। આ બધું મેં તમને શીખવ્યું જ છે કે સંખ્યા શબ્દમાં લખો, સંખ્યા અંકમાં લખો, નાની સંખ્યા પર ગોળ કરો, મોટી સંખ્યા પર ગોળ કરો, ત્યાર પછી પછી આવતી સંખ્યા લખો, ત્યાર પછી પહેલાં આવતી સંખ્યા લખો, વચ્ચે આવતી સંખ્યા લખો, ત્યાર પછી આડા સરવાળા કરો, ત્યાર પછી આ ઊભા સરવાળા કરો। આ દરેક વસ્તુ મેં તમને લખાવી છે, સમજાવી છે। આ આગળના પ્રકરણો છે એ તમારે જાતે લખવાનું છે અને પછી આગળના વિડીયોમાં હું તમારી આ જવાબને એટલે કે આન્સર કી હું આગળના વિડીયોમાં હું આન્સર કી પણ મૂકીશ એ પ્રમાણે તમારે ચેક કરવાનું રહેશે। પણ બાળકો તમારી જાતે જ લખજો, મમ્મી પપ્પાની પાસે બેસીને જોઈને લખવાનું નથી। તમને પણ ખબર પડશે કે તમને કેટલું આવડે છે બરાબર। ખ્યાલ આવ્યો બાળકો? હા, તો સરસ રીતે તમારી જાતે લખજો। હા।